ये पास्ता है और ये चावल अभी हो रहा है। और दीदी ने बहुत दीदी को बहुत अच्छे तरीके से आता है इसको बनाना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के जो है 7 बज रहे हैं, तो चलो फटाफट से उठते हैं। दीदी अभी सो रही है और बाबा उठ गए हैं, तो चलो फटाफट से बाबा के लिए चाय बनाते हैं और चाय हम सब भी पियेंगे। तो चलो आज दिन कैसे जाएगा मुझे नहीं पता, तो चलो फटाफट से अब चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस मैं आज चाय बना रहा हूँ, तो कैसा लगेगा आप कमेंट करके बता देना। तो अमूल्ला पकाते हैं, चलो अमूल पकाएंगे 3 चम्मच। तो गाइस हमारा मिल्क पाउडर अभी गर्म हो गया, तो चलो चाय पत्ती पकाते हैं, टी पाउडर। तो ये रहा, तो थोड़ा सा गाइस चाय के लिए 1 लाइक तो बनता है, लाइक कर देना वीडियो को अच्छे लगे तो। गाइस हमारा चाय अब रेडी हो गया है, तो चलो पीते हैं और दीदी को उठाते हैं, उसको चाय देते हैं और बाबा को भी देंगे। तो चलो टेस्ट कैसा है पूछूंगा। गाइस एक गलती हो गया, मैंने शुगर नहीं डाला है, तो चलो शुगर डालते हैं। आप अभी खा के बताए कि शुगर शुगर नहीं है बिल्कुल, तो शुगर डालते हैं। तो गाइस दीदी अभी चाय नहीं पिएगी, तो मैं उसकी कप में पी लेता हूँ। मैंने तो चीनी नहीं डाला था, तो जो भी होगा एडजस्ट कर लेंगे। तो चलो, तो गाइज हम सब यहाँ पर बैठे हैं और हमारा महीने का जो खर्चा है वो अब सब लिख रहा है दीदी। तो बाबा अभी बाथरूम चले गए, तो आज दिन कैसा जाएगा मुझे नहीं पता, तो चलो आज दिन देखते हैं क्या होगा। और जिसने भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लेना। और क्या है कि मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, थोड़ी नहीं एक्चुअली बहुत वीक है, तो आप एडजस्ट कर लेना, वो ब्लॉग बनाते बनाते हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं और लाइक करना यार। तो गाइस अब सुबह अच्छे से हमारा हो गया, चाय पीना वगैरह सब हो गया है। तो बाबा दीदी अभी नीचे गए हैं कुछ मछली या चिकन वगैरह लाने के लिए, क्योंकि काफ़ी देर से जो है बाबा ने मछली नहीं खाया, उनको बहुत पसंद है छोटी छोटी मछली, ये सब वहाँ को पसंद है। तो वो गए हैं खरीदने के लिए चिकन या कुछ फिश वगैरह कुछ लेके आएंगे, और कुछ सब्जी वगैरह और ज़्यादा कुछ लेके आएंगे और मेडिसिन वगैरह सब कुछ लेके आएंगे। तो वो आने से पहले मुझे घर वो जो बिस्तर है उसको उठाना पड़ेगा, साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, वो आने से पहले सब हो जाना चाहिए। तो चलो मिलके सब साथ में करते हैं, और वो आएंगे तो उनका वेट करेंगे, क्या लाते हैं देखते हैं, आपको भी जरूर दिखाऊंगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल देखना और कमेंट करके बताना मेरी पापा आपको कैसे लगे। तो चलो चलते हैं, सब काम करते हैं फटाफट से, और उसके बाद नहाएंगे। आज लगता है बाहर नहीं जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। चलो चल, पापा घर आ गए हैं, तो आज नाश्ता में पास्ता खाएंगे, पास्ता भी बन रहा है, और मछली में आपको बाद में दिखाऊंगा। तो चलो देखते हैं हमारे पास्ता।
ये पास्ता है और ये चावल अभी हो रहा है। और दीदी ने बहुत दीदी को बहुत अच्छे तरीके से आता है इसको बनाना। तो क्या कहना चाहोगे, क्या बोलो? पहले बनाने दो पास्ता, फिर करेंगे नाश्ता। तो गाइस पास्ता खाने के बाद आपको मिलेंगे, खाते वक्त मिलेंगे। एक्चुअली टेस्ट कैसा है मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो वाला अभी बाहर है बालकनी में, और वो अभी फ्रूट्स वगैरह खा रहे थे क्योंकि उनका तबीयत जो थोड़ा खराब है, वो खड़े हैं पापा। तो गाइस मस्त धूप आ गया है, तो चलो नाश्ता बनाते हैं उसके बाद खाते हैं। तो गाइस दीदी चिकन लाई है सबके लिए। ये चिकन मैंने इसको धो के रख दिया इधर। तो अभी दीदी दीदी और बाबा ये प्याज वगैरह कटिंग कर रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ सैलून, मैं जब आऊंगा तो करी चिकन करी रेडी हो जाएगा। तो चलो सैलून चलते हैं, काफी दिनों से नहीं गया हूँ सैलून। सो गाइस अब मैं आ गया हूँ सैलून में, जा रहा हूँ सैलून, लेकिन पीछे मेरा जो एटीएम है उससे पैसा निकालूंगा, उसके बाद एटीएम जाऊंगा। हाँ तो चलो चलते हैं सैलून में, क्योंकि ये जो है दाढ़ी बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, फिर से छोटा करना है। ट्रिमिंग करेंगे और हेयर को थोड़ा साइज करेंगे, उसके बाद मिलते हैं। चलो सैलून में दिखाऊंगा आपको। ये है हमारा, तो गाइस ये है हमारा सैलून। तो चलते हैं कटिंग करते हैं, हेयर कटिंग। मैं अब हेयर कट करके नहा नहा भी के पूरा फ्रेश हो गया हूँ। तो देखिए मेरे हेयर कट कैसे कैसा है, तो कमेंट करके आप बता देना। तो अच्छा लगे तो लाइक भी करना। तो अभी हमारा चिकन करी जो है वो रेडी हो गया है, तो अब दिखाती हूँ आपको, रुको। ये है चिकन करी, ये दो में डिवाइड हो गया लेकिन एक है, सेम सेम करी। तो चिकन करी हमारा रेडी हो गया है, तो चलो। तो गाइज आप सब खाना पीना सब कुछ हो चुका है, तो आज हम यहाँ पर धूप सेक रहे हैं मस्त, ये दीदी और पापा। ये देखो ये क्या कर रही है, कौन कर जियो हुई, कौन कर जियो तो गाइज हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद उठ के ड्राइंग बनाएंगे। तो चलो ड्राइंग बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ ड्राइंग कैसे बनाया। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ड्राइंग वीडियो मेरे अलग से एक चैनल में आ रहा है, तो वहाँ से जाकर आप देख लेना, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो ड्राइंग के बाद मिलते हैं शाम को। अब थोड़ा रेस्ट हो गया, तो चलते हैं ड्राइंग बनाते हैं। तो आज की ड्राइंग जो है मैं कंप्लीट करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना आर्ट वीडियो को। तो चलते हैं, अभी मैं सेटअप तैयार कर रहा हूँ ड्राइंग का। तो यह है हमारा सेटअप छोटा सा, तो ड्राइंग के बाद मिलते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं। मैं ड्राइंग को बाद में दिखाऊंगा, तो ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद आपको दिखाऊंगा। तो चलो मिलते हैं ड्राइंग ड्राइंग के बाद। हमारा ड्राइंग जो था वो कंप्लीट हो गया है और शाम भी हो गया है, तो हम चलते हैं घर के अंदर और भगवान जी का पूजा करेंगे आज शाम को। तो चलते हैं घर के अंदर, उसके बाद मिलते हैं गाइस। तो ड्राइंग आपको दिखाना भूल गया, तो ये देखिए हमारा ड्राइंग, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख लेना और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो चलते हैं घर के अंदर। गाइस ये हमारा स्नैक सब रेडी हो रहा है। तो क्या है कि ये जो इसको चावल के साथ खा सकते हैं, पापड़ भी है इसमें, लेकिन इसको हम अभी स्नैक्स के हिसाब से खाएंगे।
बाद में इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो गाइस इसके बाद हम खाना खा के सो जाएंगे और मैं एडिट करूंगा। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।